नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं 15 फीट बाई 70 फीट के प्लॉट की डिज़ाइनिंग। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमारी है, उनकी रिक्वायरमेंट है एक शॉप की, एक कार पार्किंग और रेजिडेंस की उनकी रिक्वायरमेंट है। नॉर्थ फेसिंग का प्लॉट है, 15 फीट यानी 1050 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। आइए शुरू करते हैं इनकी डिजाइनिंग। फ्रंट पे हमें मिलता है, यहाँ पे 6 फीट चौड़ा गेट मिल जाता है। वहाँ से जब अंदर की तरफ हम जाते हैं तो 15 फीट बाई 14 फीट 3 इंच की हमको कार पार्किंग एरिया मिल जाता है। पार्किंग के लिए कार हो बाइक हो उसके लिए मिल जाता है। फ्रंट पे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने शॉप को प्लेस किया है, वह जिसकी साइज़ है हमारे पास 9.5 फीट बाई 8 फीट 3 इंच की। अब फ्रंट से ही मेन एंट्री का डोर है अंदर जाने के लिए, और वहीं से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है हमारा स्टेयर का पार्ट। स्टेयर की जो साइज़ हमारे पास है वो है 9 फीट बाई 14 फीट 3 इंच का। बीच में हमने स्टेयर को प्लेस किया हुआ है, सी टाइप की हमारी स्टेयर है। 3 स्टेप में स्टेयर को प्लेस किया गया है फर्स्ट फ्लोर के लिए। और जो स्टेयर की स्पेसिफिकेशंस हैं वो इस तरह से हैं, जो राइज हमारा है वो 6 इंच का है, जो ट्रेड है हमारा वो 10 इंच का है, जो थिकनेस विड्थ है हमारी स्टेयर की वो 3 फिट 3 इंच की। यहाँ पे नीचे हमें काफी बड़ा एरिया मिल जाता है स्पेसिस का फॉर्म स्टोर रूम के पर्पज से या फिर। स्टेयर के बाद हम शुरू करते हैं अपने मेन एंट्री की तरफ, जो कि हमारा रेजिडेंस का है। फ्रंट में हमको डोर मिल जाता है, डोर के साथ विंडो मिलती है। डोर से जब अंदर की तरफ हम जाते हैं तो हमें मिलता है हमारा ड्राइंग रूम, जिसमें हमने एक प्रॉपर टीवी यूनिट को प्लेस किया है, गेस्ट रूम पूरा एरिया है। इसकी साइज हमारे पास है 10 फीट बाई 14 फीट 3 इंच का, एक हमारा ये ड्राइंग रूम का है। वहीं से हम जब अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है हमारा, हमें एक और डोर मिलता है जो लॉबी में खुलता है। जब भी हमें अंदर जाने की जरूरत होगी घर, ड्राइंग रूम से ही होके ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं। ड्राइंग रूम से हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमको मिलता है लॉबी हमारा। लॉबी एरिया हमारा 6 फीट 4 इंच बाई 12 फीट 6 इंच का हमारे पास लॉबी मिल जाता है। वहीं से हमें कनेक्टेड वॉशरूम, पहले हमें बाथरूम मिल जाता है, लैट्रिन बाथरूम अटैच मिल जाता है, जिसकी साइज 4 फीट बाई 7 फीट 6 इंच की है। ये अटैच लैट्रिन बाथरूम है। बाथरूम के बगल में हमें मिलता है ओटीएस, जो जिसकी चौड़ाई है 2 फीट की, लेंथ हमारी 7 फीट की है, वेंटिलेशन पर्पज के लिए, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। उसके बगल में हमको मिलता है किचन हमारा है, जो किचन की साइज़ हमारे पास है। लॉबी से हमको मिल जाता है किचन की जो साइज़ हमारे पास है 6 फिट बाई 7 फिट 6 इंच की। एक मॉडुलर किचन प्लेस किया गया है, छोटा किचन है पर स्पेसियस किचन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है मॉडुलर किचन में। अब हम बात करते हैं अपने बेडरूम की। बेडरूम की जो हमारे पास ये साइज़ है वो है 14 फिट 3 इंच बाई 9 फिट 6 इंच की। और किनारे पे हमने बेडरूम में हमने किनारे पे अलमीरा प्लेस किया हुआ है प्रॉपर तरीके से। 1 फिट 9 इंच की विड्थ है और टोटल लेंथ में ये अलमीरा को प्लेस किया गया है। एक साइड में किनारे की तरफ है और बेडरूम बीच में है। वास्तु के हिसाब से बेडरूम की डायरेक्शंस भी प्रॉपर है, और इसके बावजूद भी बेड लगने के बाद भी हमें रूम में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। और पीछे की तरफ हमने एक डोर लगाया हुआ है, डोर से हमें पीछे की तरफ हमने 2 फिट का एक ओटीएस दे रखा है ओपन टू स्काई डाल के पर्पज से। 2.5 फिट का ही हमारे पास वेंटिलेशन के लिए है, ताकि यहाँ पे हम अपना पीछे की साइड विंडो लगा सकें, इस रूम में विंडो लगा सकें। और बेडरूम के पीछे हमने 2 फिट 6 इंच का एक ओटीएस दिया हुआ है, ताकि इसमें हम अपने कपड़े अपनी चीज़ों को सुखा सकते हैं, और ये वेंटिलेशन पर्पज के लिए भी बहुत ही वजह से पूरे रूम में प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन मिल जाए फ्रंट से और सेंटर से। ये रही हमारी पूरी डिज़ाइन, हमारा बेडरूम किचन, इसमें हमें एक गेस्ट रूम और एक बेडरूम मिल जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया नहीं है हमारे पास। एक स्टेयर पोर्शन प्रॉपर मिल जाता है, और आगे हमें मिलती है एक शॉप मिल जाती है, पार्किंग एरिया मिल जाती है। ये पूरी डिज़ाइन है हमारी, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो इनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से बनाई गई डिज़ाइन है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आप इसकी प्लानिंग देखते हैं। ये इसका है प्लान, 2D प्लान, फ्लोर प्लान। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। फ्रंट से हमको गेट मिल जाता है, पार्किंग हमारी है 14 फिट 3 इंच बाई 15 फिट का। अंदर के लिए मेन एंट्री और हमारा ये शॉप एरिया मिल जाता है। शटर डोर है 9 फिट 6 इंच बाई 8 फिट 3 इंच की, हमको शॉप मिल जाती है। अंदर की तरफ जब जाते हैं तो हमें यहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको स्टेयर मिल जाती है ऊपर के लिए। स्टेयर की जो हमारे पास साइज़ है वो 14 फिट 3 इंच, और उसकी जो लेंथ है वो 9 फिट। अंदर की तरफ जब जाते हैं हमें तो मिलता है ड्राइंग रूम हमारा, जो 14 फिट 3 इंच बाई 10 फिट का है,
और थ्रू जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमको मिल जाता है लॉबी एरिया 6 फीट 4 इंच बाई 12 फीट 9 इंच का, और फिर वहीं से हमको मिल जाता है हमारा टॉयलेट वॉशरूम। टॉयलेट वॉशरूम में जो है हमारा 6 फीट 4 फीट बाई 7 फीट 6 इंच का, बीच में ओटीएस हमारे पास ये है, 2 फीट 2 फीट का हमारे पास ओटीएस है। लॉबी एरिया 6 फीट 4 इंच बाई 12 फीट 9 इंच का है, लॉबी हमारा 12 फीट 9 इंच का है। किचन हमारे पास 7 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का है, और बेडरूम की जो लास्ट में हमारे पास जो बेडरूम मिलता है उसकी साइज हमारे पास 14 फीट 3 इंच × 9 फीट 6 इंच का है, प्रॉपर बेडरूम है। पीछे की तरफ हमें एकदम आखिरी में हमें मिलता है ओटीएस जाल मिल जाता है जिसमें ओपन टू स्काई है, 2 फीट पूरी लेंथ में हमने बनाया हुआ है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। ये हमारी प्रॉपर डिज़ाइन है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।